हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ सूजी और नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी और साथ में हेल्दी भी होता है, क्योंकि मैंने इसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए पैन चढ़ाया है, पैन में एक चम्मच घी डालेंगे। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, तो घी गर्म हो जाए, अभी हाई फ्लेम पे ही रखा है गैस को मैंने। उसमें हम एक कटोरी रवा ले लेंगे। मैंने कटोरी से मेजरमेंट किया है, आप कप भी ले सकते हो। इसको हमको हल्का भुनना है, मीडियम फ्लेम पे भुने जिससे सूजी जले ना, हल्का कलर चेंज कर होने तक इसको भुनना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए, कलर थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखिए हमारी सूजी भुन चुकी है, कलर भी चेंज हो गया इसका। बस थोड़ी देर और चलाएंगे हम इसे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दिया था, ये देखिए मैंने निकाल लिया। मैंने वही पैन फिर से चढ़ाया है, उसमें हम एक कटोरी नारियल कद्दूकस किया और डाल देंगे। मैंने इसका ब्लैक पार्ट नहीं निकाला है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हो। एक कटोरी थोड़ा सा कम मैंने गुड़ लिया है, आप इसके अलावा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मुझे हेल्दी बनाना था इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ या चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना आपको मीठा खाना है। मैंने आधी कटोरी दूध ले लिया है, मैंने दूध बहुत ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ आधी कटोरी लिया है। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाना है गुड़ को मेल्ट होने तक। ये देखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है, कोकोनट का भी कलर चेंज हो गया है। अब सूजी भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैंने सूजी भी डाल दिया, अब अच्छे से मिक्स करना है इसे। ये लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, थोड़ी सी किशमिश और मैंने बादाम को क्रश कर लिया है। अब ड्राई फ्रूट अपने पसंद के डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, गैस को इसके बाद हमें बंद कर देना है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है। इसके बाद हल्का गुनगुना ही हमें लड्डू इसका बनाना है। लास्ट में एक चम्मच हम घी डाल देंगे, इससे क्या होगा कि घी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, लड्डू भी आसानी से बन जाएंगे। अब मिक्स करके हमें गैस बंद कर देना है। ये देखिए हल्का ठंडा हो चुका है, हल्का भी गुनगुना है, गुनगुना ही रहने दें, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। ऐसे हाथों से हमें लड्डू बना लेने हैं। ये देखिए ऐसे लड्डू बना लेना है। ये देखिए लास्ट में जो हमने घी डाला था, इसकी वजह से हमें हाथ में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आसानी से लड्डू बन रहे हैं। ये देखिए हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। आप इसे 14 से 15 दिन एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते हो। हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारे नारियल और सूजी के लड्डू बन के तैयार हैं।
ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।